हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गैन मैं आपका एजुकेटर सैयर शाह दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने अरिहंट पब्लिकेशन के द्वारा जो कंप्यूटर अवेयरनेस बुक है कॉन्सेप्ट और उसके एम सी क्यूज़ को कवर करते आ रहे हैं चैप्टर वाइज तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा चैप्टर फोर है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जी हाँ आपने हार्डवेयर्स पे पढ़ा होगा या फिर उसके जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया होगा कि कंप्यूटर मेमोरी जो है किस तरह से होते हैं स्टोरेजेस क्या होते हैं ओके हमने जब बेसिक्स पढ़ा था अब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन बना रहे देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है एक वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट माना जाता है दोस्तों क्योंकि जब कंप्यूटर डेटा को स्टोर नहीं करेगा आपके इंस्ट्रक्शंस को मानेगा नहीं तो उसका होना या ना होना कुछ आ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है राइट सो स्टोरेज जो है आपको चाहे वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो या फिर आप यू नो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं स्टोर करना है तो देन मेमोरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी हायरार्की की बात करें द हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ कॉल्ड मेमोरी हायरार्की द कंप्यूटर यूजेज अर हायरार्की ऑफ मेमोरी दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैनर टू एनेबल द फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ मेमोरी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ करेक्टराइज ऑन बेसिस ऑफ टू की फैक्टर्स जैसे कैपेसिटी हो गया और एक्सेस टाइम कितने टाइम में आपको वापस आप रिड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे देखिएगा स्पीड और साइज लिखा हुआ है ओके okay, सी पी रजिस्टर हो गया उसके अंदर उसके बाद कैशे बोलते हैं इसको मेन मेमोरी हो गया मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप हो गया दोस्तों राइट नेक्स्ट पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो पहला जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को देखा जाता है इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द साइज ऑफ मेमोरी द कैपैसिटी ऑफ द इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी कैन भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स ठीक है एक्सेस मोड्स की बात करें मेमोरी इज कंप्राइज ऑफ वेरियस मेमोरी लोकेशन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस रैंडमली सिक्वेंशली एंड डायरेक्टली दोस्तों ठीक उसके बाद एक्सेस टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द डिजायर मोड्स फॉर रीड और राइट ऑपरेशन टिल द डेटा विच इज मेड अवेलेबल उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इन दिस रेस्पेक्ट द डिवाइस कैन बी कैटेगराइज इंटू फोर मेन कैटेगरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया मैग्नेटिक हो गया मैकेनिकल हो गया और ऑप्टिकल हो गया दोस्तों ओके okay? उसका परमानेंस ऑफ स्टोरेज इट इज इसमानेंस इज हाई फॉर फ्यूचर यूज इन मैग्नेटिक मेटीरियल ओके सो वॉट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें जनरल द मेमोरी मेमोरीज क्लासीफाइड टू कैटेगरीज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और ऑगजिलरी मेमोरी कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी की बात करें The memory unit that communicates directly with the CPU is called main memory or internal memory or primary memory. Okay. The primary memory allows the computer to store data for immediate manipulation and to keep a track of what is currently being processed. Okay. It has limited storage capacity. Okay. And main memory is volatile in nature. It means that when a power is turned off, the contents of memory are lost forever. Okay. तो मेन मेमोरी जो होती है बहुत ही वोलेटाइल होती है वोलेटाइल का मतलब क्या होता है वो स्टोर नहीं कर सके जब भी कोई पावर ऑफ हो गया या सडनली जो है सिस्टम शट डाउन हो गया तो जो भी डेटा आपने स्टोर किया होगा मेन मेमोरी में वो उड़ जाएगा मतलब चला जाएगा ओके okay. और प्राइमरी मेमोरी आपको दो तरह की होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया उस और रीड ओनली मेमोरी हो गया ठीक है तो चलिए पहले हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में जानते हैं ओके इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी दट अलो सी पी टू रीड एज वेल एज राइट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू इट दोस्तों ओके रैम इज यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा आउटपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ओके रैम में दो तरह के होते हैं डायनेमिक रैम होंगे जिसे हम डी रैम कहते हैं दोस्तों इट इज मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स वेर ईट सेल इज कंपोज ऑफ वन केपासिटर वन ट्रांसिस्टर ओके

दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आ गया हमारा रीड ओनली मेमोरी ये एक नॉन वोटाइल मेमोरी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन वोलोटाइल मेमोरी है जब भी आपका सिस्टम शटडाउन हो कुछ भी ऑफ हो जाए तो इसमें जो डेटा होता है वो वैनिश नहीं होगा लॉस्ट नहीं होगा दोस्तों रॉम कैन हैव डेटा इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू इट ओनली वन टाइम वन से रॉम चिप इज प्रोग्राम एट टाइम ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग इट कैन भी रीप्रोग्राम री रिटर्न भी कर सकते हैं दोस्तों राइट इट इट हैज ओनली रीडिंग कैपेबिलिटी बट नॉट राइटिंग चलिए देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ रॉम क्या क्या है पहला है हमारा पी रोम जिसे कहा जाता है जिसका मतलब है प्रोग्रामेबल रोम इट इज ऑल्सो नॉन वोलोटाइल इन नेचर वनस ए पी रोम हैज बिन प्रोग्राम इट कंटेंट्स कैन नेवर बी चेंज दोस्तों इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस दिस टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर फाउंड इन वीडियो गेम कंसोल्स मोबाइल फोन्स ओके इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस एंड हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेसेस उसके बाद आ गया हमारा ईपी रोम ई पी रॉम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड रैंडम एक्सेस जो रीड डली मेमोरी होता है राइट बट इट कैन बी अरेज बाई एक्सपोजर टू स्ट्रॉग अल्ट्रावायलेट लाइट्स देन री रिटर्न होते हैं दोस्तों इसमें और उसके बाद इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामल रॉम कहा जाता है ये भी अरेज किया जाता है बट यहाँ पे जो अरेजमेंट है वो इलेक्ट्रिकली किया जाता है नॉट विद द अल्ट्रा वायलेट लाइट दोनों का डिफरेंस आप समझ रहे हैं राइट एंड इट इज अ मोस्ट फ्लेक्सीबल टाइप ऑफ रॉम एंड इट इज नो कॉमन यूज फॉर होल्डिंग बॉस ठीक उसके बाद कैश मेमोरी होता क्या है इट इज़ अ स्टोरेज बफर दट स्टोर्स द डेटा Which is uh, used more often, temporal makes them available to CPU. Okay. So, cache memory is very high speed uh, uh, memory hai dosto, right? and plays in between RAM and the CPU. It increases the speed of processing. Next, ho gaya, flash memory It is a kind of semiconductor based, non volatile, rewritable memory used in digital camera, mobile phone, printer, etc. Virtual memory dosto. It is a technique that allows the execution of process that are not uh, completely in. Main memory. One major advantage of this scheme is that programs can larger than main memory. Okay. Next, ho okay, गया secondary memory storage. Okay, so the this memory stores much larger amounts of data and information for extended period of time. Clear? Data in the secondary memory cannot be processed directly by the CPU. It must uh, uh, first copied into primary memory that is RAM. It is slower and cheaper form of memory. And secondary storage used to store data and programs when they are not being processed. Okay. याद रखिए सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये ऐसा डेटा को स्टोर uh, करता है प्रोग्राम्स को स्टोर करता है जो प्रोसेस नहीं किया गया होके okay? ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों इसमें से डेटा अगर सडनली कंप्यूटर ऑफ हो जाए शट डाउन हो जाए तो इसमें का जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा ओके सो ड्यू टू दिस द डेटा रिमाइन इन सेकेंडरी स्टोरेज इज़ एज़ लॉन्ग एज इट इज़ नॉट ओवर रिट हाँ अगर वो अलग बात है अगर आप उसको ओवर रिट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं देन इट कैन बी डिलीटेड परमानेंटली इसमें भी आपको कई तरह के डिवाइज देखने को मिलते हैं जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज हो गया ओके मैग्नेटिक स्टोरेज इज द मैनिपुलेशन ऑफ़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो और अदर डेटा इट इंक्लूड्स हार्ड डिस्क ड्राइव फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप हो गया दोस्तों उसके बाद हो गया हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज ऑप्टिकल स्टोरेज एनी स्टोरेज टायर इन विच डेटा इज रिटन एंड रीड विथ लेज़र इट इंक्लूड सी डी डी वी डी एंड ब्लू रे डिस्क हो गया दोस्तों okay? उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टोरेज इज़ अ टाइप ऑफ़ स्टोरेज टेक्निक दैट एम्प्लॉय स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस बिल्ट यूजिंग सिलिकॉन माइक्रोचिप बेस्ड स्टोरेज आर्किटेक्चर इट इंक्लूस पेन फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड हाइट उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव दोस्तों एक नॉन वोलेटल एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस है एच डी डी जिसे कहते हैं हम लोग हार्ड डिस्क आपने देखा होगा ओके ये भी एक डेटा स्टोरेज डिवाइस ही है जहाँ पर स्टोर किया जाता है रिट्राइव किए जाते हैं कई तरह की इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना दिस इज अ हार्ड डिस्क ओके

कोटेड विद मैग्नेटिक मेटीरियल टू स्टोर डेटा परमानेंटली दिस इजलो वेरी इंपॉर्टेंट ओके डेटा कैन बी रेड एज वेल एज रिकॉर्ड इट इज यूली टूवेल पॉइंट फाइव एम एम टू ट्वेंटी फाइव एम एम वाइट एंड फाइव हंड्रेड मीटर टू टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग होता है जी हाँ मैग्नेटिक टिप्स होल्ड द मैगजिम डेटा विच कैन एक्सेस सीक्वेंशियली दे आर जनरली यूज टू स्टोर बैकअप डेटा और दैट टाइप ऑफ डेटा विच इज नॉट फ्रिक्वेंटली यूज टू स्टोर ट्रांसफर डेटा फ्राम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ओके उसके बाद हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों It is the most popular and the least expensive type of optical disc. A CD is a capable of being used as a data store along with the storing of a digital audio. The files are stored on this particular contiguous sectors. Dostum, okay. So, the file are stored on this particular contiguous sectors. The CDs are categorized into three main types: CD, ROM. Dostum, okay. डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसका सी डी आर हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सी डी आर डब्ल्यू हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटबल ओके तीन तरह के होते सी डी रॉम सी डी आर सी डी आर डब्ल्यू उसके बाद अभी तो डी वी डी का जमाना चल रहा है सी डी का जमाना भी खत्म हो चुका है अभी डी वी डी इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क क्या कहते हैं इसको एच डी डी आपने फुल फॉर्म सुना होगा एच डी डी ये टर्म सुना होगा आपने राइट सो डी वी डी इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया डी वी डी ऑफर हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन सी डी नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप डी कैन स्टोर सेवरल गीगा ओके वही सीडीज़ की अगर आप देखेंगे वो सिर्फ एम में स्टोर करते हैं दोस्तों सेवन हंड्रेड एम बी एट हंड्रेड वेर एज डी दे कैन स्टोर इन जी बीज फ्रॉम फोर पॉइंट सेवन टू सेवनटीन जी तक ये लोग स्टोर करते हैं ओके सिक्स मूवीज़ आप आराम से स्टोर कर सकते हैं एंड डी वी डी इज़ ऑलसो थ्री टाइम्स जैसे कि डी वी डी रॉम हो गया जिसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है उसके बाद हो गया डी वी डी आर इज़ डी वी डी रिकॉर्डेबल एंड डीवीडी आर डब्ल्यू दैट इज डीवीडी वी री राइट इसे कहते हैं दोस्तों ठीक है टिट बिट्स की बात करें द रेट एट विच डेटा इज रिटर्न टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क इज़ कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट रूट डायरेक्टरी की बात करें इज़ अ मेन फोल्डर ऑफ द डिस्क दोस्तों रूट डायरेक्टरी आपने सुना होगा एक मेन फोल्डर क्रिएट किया जाता है आपने कई बार डिस्क जब आप डीवीडी डालते हैं अपने लैपटॉप में या सी में एक डिफॉल्ट फोल्डर आपको देखने को मिलता है उसे ही कहते हैं रूट डायरेक्टरी ओके नेक्स्ट आ गया हमारा ब्लू रे डिस्क दोस्तों It is an optical disk storage medium designed to recapture the data normally in DVD format, and Blu-ray disc contains 25 GB per layer space. The name Blu-ray disc refers to blue laser used to read the disk, which allow information to be stored at a greater density than longer wavelength and red laser used in the DVDs. Okay. Blu-ray can hold almost 5 times more than data than a single layer DVD. The variation in the formats are as follows: BD ROM. ओके रीड ओनली उसके बाद बी डी आर दोस्तों दैट इज रिकॉर्डेबल बी डी आर डब्ल्यू बी डी दैट इज रीराइटेबल एंड बी डी आर ई दिस इज ऑल्सो रीराइटेबल उसके बाद आता है हमारा पेन और थम ड्राइव पेन ड्राइव इज ऑल्सो एज फ्लैश ड्राइव अभी तो पेन ड्राइव का भी जमाना चल रहा है राइट सो ए फ्लैश ड्राइव इज ए डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी विद पोर्टेबल यूएस बी इंटरफेस यू एस बी फ्लैश ड्राइव आर टिपिकली रिमूवेबल रीराइटेबल एंड मच लार्जर दैन ए फ्लॉपी डिस्क दोस्तों ओके टूडे फ्लैश ड्राइव्स आर अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कपैसिटी टू फिफ्ट सिक्स एम बी फाइव ट्वेल एम बी वन जी बी फोर जी बी सिक्सटीन जी बी सिक्सटी फोर जी बी तक आप जो है पेन ड्राइव्स ले सकते हैं राइट right? बहुत सारे कंपनीज हैं जो अच्छे बढ़िया पेन ड्राइव्स आपको ऑफर करते हैं दोस्तों एंड दे आर वाइडली यूज एज ईजी एंड स्मॉल मीडियम टू ट्रांसफर एंड स्टोर द इंफॉमेसन फ्राम द कंप्यूटर्स ओके नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी कार्ड्स की

फ्लॉपी डिस्क थ्री पॉइंट इंच का जो होता है ये भी मैग्नेटिक है वन पॉइंट फोर फोर एम बी डेटा को स्टोर करता है राइट उसके बाद एट इंच का जो है आपको के बी इसमें स्टोर किया जाता है सी डी रॉम निकला उसके बाद ये टेबल याद रख लीजिए आप क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सी डी रॉम ऑप्टिकल मेथड यूज़ करता है इट विल स्टोर अप टू सिक्स एटी एम बी वी डी इट विल ऑल्सो यूज़ द ऑप्टिकल मेथड बट इट स्टोरेज कपैसिटी इज मोर दैन सी डी दट इज़ फोर पॉइंट सेवन जी बी टू सेवनटीन जी बी देन केम अबाउट द पेन ड्राइव सॉलिड स्टेट यूज़ करता है वन जी बी टू फाइव ट्वेल्व जी बी और उसके बाद हो गया मैग्नेटिक टेप जो कि अप टू वन टी बी तक यूज़ करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट वन बिट क्या होता है दोस्तों दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द वास इन द एग्जाम दैट इज बाइनरी डिजिट फोर बिट्स इज इक्व टू वन निबल दोस्तों एट बिट्स इज इक्वल टू वन बाइट ओके वन जीरो टू फोर बाइट को वन के बी कहा जाता है वन जीरो टू फोर के बी को वन एम बी वन जीरो टू फोर एम बी को वन जी बी एंड वन ज़ीरो टू फोर जी बी को वन टेरा बाइट कहते हैं दोस्तों उसी तरह थाउजेंड ट्वेंटी फोर टी बी को वन पेटाबाइट कहा जाता है वन पी बी राइट थाउजेंड टू फोर पी बी को वन ई बी कहते हैं एक्सा बाइट दोस्तों वन जीरो टू फोर ई बी को वन जेड बी जेटा बाइट कहा जाता है एंड वन जीरो टू फोर जेड बी को वन वाई बी कहते हैं जी हाँ योटा बाइट कहते हैं हम लोग सोचिए कितनी मेमोरी होगी इसमें स्टोर करने के लिए वन जीरो टू फोर ई वाई बी को वन प्रोन्टो बाइट कहते हैं दोस्तों अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन ज़ीरो टू फोर बी बी को जो है दैट इज ब्रोंटो बाइट को हम क्या कहते है? हैं वन जियो बाइट कहते हैं दोस्तों बिट इज अ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट एंड जियो बाइट इज अस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट ए बाइट कैन रिप्रेजेंट टू फिफ्टी सिक्स ऑन डिस्टिंट वैल्यूज ठीक है तो आई होप कि आपको मेमोरी के बारे में थोड़ा पता चला होगा ओके okay? तो चलिए अभी हम आ, बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में दोस्तों चलिए अभी चलते हैं हम क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट एम जो पूछे गए हैं वो देख लेते हैं एक बार तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ मेमोरी की बात करें तो ऑप्शन वन हो गया दोस्तों स्टोरेज कैपेसिटी वेयर इज द डेटा सेव परमानेंटली की बात करें तो ऑप्शन टू स्टोरेज हो गया है एंड वेर आर द प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज बाई कंप्यूटर अवेलेबल दैट इज ऑप्शन थ्री होगा दोस्तों स्टोरेज ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव इट हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी दोस्तों

टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर कौन से दो दो तरह के मेन मेमोरीज की बात करें तो एक तो रॉम हो गया दोस्तों और दूसरा रैम हो गया है राइट नेक्स्ट एक आपको रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म विच मेमोरी इज यूज एज ए टेम्पररी मेमोरी की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया वोलाटाइल वोलाटाइल का मतलब ही है कि टेम्पररी ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वोटाइल मेमोरी की बात करें तो ऑप्शन थ्री दैट इ लूज इज कंटेन ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई के कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट एबल टू होल्ड देर कंटेंट्स वेन द पॉर इज़ ऑफ तो क्या होता है दैट इज ऑप्शन थ्री वोलाटाइल होती है इसीलिए ना कि जैसे पावर ऑफ हो जाता है उसको हम रिट्राइव नहीं कर सकते विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेस मोड की बात करें तो ऑप्शन वन हो गया दोस्तों रैंडम एंड डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज़ वेर इन्फॉर्मेशन इज टेम्पोरली स्टोर्ड वाइल इट इज़ बींग एक्से और वर्कड ऑन बाई तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन फोर हो गया दोस्तों रैम ठीक है नेक्स्ट वाई रैम इज़ सो कॉल्ड सो दैट इज ऑप्शन थ्री हो गया बिकॉज इट कैन बी सेलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप दोस्तों नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम की बात करें दैट इज ऑप्शन वन रैम इज द सेम एज अ हार्ड डिस्क स्टोरेज ओके उसका वर्चुअल मेमोरी अलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ दैट इज ऑप्शन भी हो गया रैम ओके जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हम कहते हैं ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है रैम में उसको हम नीड टू बी क्या करते हैं दोस्तों नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली ओके सो स्टोरेज दैट रिटेन डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज नोन हैज रिटेन कर सकता है मतलब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है दोस्तों नॉट वोलेटाइल वोलेटाइल मतलब गायब हो गया नॉन वोलेटाइल मतलब उसको वापस से रिटर्न कर सकते हैं ऑप्शन टू ओके चलिए नेक्स्ट डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश दैन स्टैटिक रैम तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन थ्री

So, what is a permanent memory built into your computer ki bath kare? That is option two ROM and permanent instructions that a computer use when it turn on and that cannot be changed by other instructions are contained in that is option 1 ROM. Okay. Which of the following is not a uh, ROM ki care? That is option 4, that is ED ROM okay. is when you first turn on the computer, the CPU is preset to execute instruction stored in it. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री हो गया दोस्तों ओके ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और अरेज द यूजर इज दैट इज ऑप्शन फाइव हो गया दोस्तों रीड ओनली ओके चलिए नेक्स्ट एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज नोन एज क्या होता है वो तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन टू हो गया मेमोरी ओके द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरीज डैश एंड द स्टोरेज इज डैश मतलब मेमोरी और स्टोरेज के बीच का डिफरेंस आपको पूछा जा रहा है देखिए मेमोरी इज ए टेम्पररी एंड स्टोरेज इज ए परमानेंट ओके ऑप्शन वन इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन ऑप्शन वन सी एंड रैम के बीच में कैश मेमोरी आपको पढ़ाते वक्त बोला था कि सी और रैम के बीच में होता है ओके नेक्स्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फ्रॉम

नेक्स्ट बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू की बात करें दैट इज ऑप्शन टू हो गया कैशिय मेमोरीज और स्मॉलर देन रैम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस दैन आर फिजिकली अवेलेबल तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन वन हो गया दोस्तों वर्चुअल मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी इज डैश क्या होता है वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी इज ऑप्शन थ्री दैट इज एन इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरीज ओके नेक्स्ट डैश इज एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा की बात करें दैट इज ऑप्शन टू हो गया दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है नेक्स्ट देखते हैं सो नेक्स्ट द डैश इज अमाउंट ऑफ डेटा दैट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम वन स्टोरेज टू कंप्यूटर पर सेकेंड तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू दैट इज डाटा डिजिटाइजिंग रेट इसे कहते हैं द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड डैश डायरेक्टरी तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन थ्री रूट हो गया दोस्तों ओके द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डेटा ए पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन थ्री हो गया कैपेसिटी ओके वॉट इज अ मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो ऑप्शन वन हो गया दोस्तों रूट डायरेक्टरी ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमोरी इज कैरेक्टराइज बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन टू हो गया सेकेंडरी ठीक है नेक्स्ट सेकेंड्री स्टोरेज क्या होता है डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट यूज एज ए सेकेंड्री स्टोरेज की बात करें तो ऑप्शन वन हो गया दोस्तों सेमी कंडक्टर मेमोरी राइट उसका द सेकेंड्री स्टोरेज डिवाइस कैन ऑनली स्टोर डेटा बट दे के नॉट परफॉर्म क्या परफॉर्म नहीं कर सकते ये अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया लॉजिक ऑपरेशन हो गया फिच ऑपरेशन ये क्या भी परफॉर्म नहीं कर सकते ऑल ऑफ द अबो Next, where do you save the data? That your data will remain intact even when the computer is turned off. Pe secondary storage device hum log save karte The term dash refers to a data storage system that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data. The correct answer hoga is option 4 storage technology. Okay. Next, the storage device used to compensate for the difference in rates of flow of data from one device to another. इसको हम क्या कहते हैं ये मैंने पढ़ाया था अभी आपको जब से बफर कहते हैं दोस्तों ठीक स्टोरेज डिवाइस क्या होता है बफर होता है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक अभी मैंने आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क जो होता है हमने ऊपर आपको सिल्वर कलर के प्लेट्स दिखाए थे राउंड कलर के वो हार्ड हार्ड मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है द कॉन्सेंट्रेट सर्किल्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इन ऑप्शन टू होगा दोस्तों सेक्टर्स ठीक नेक्स्ट ए ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल द प्लेटर्स इज कॉल्ड ए दैट इज ऑप्शन वन हो गया दोस्तों सिलेंडर ओके द प्राइमरी डिवाइस दैट कंप्यूटर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन फोर हार्ड ड्राइव कहा जाता है उसके बाद हार्ड डिस्क डिवाइजेस आर कंसिडर ऑप्शन फोर नॉन वोलाटाइल ओके नेक्स्ट द थिक रिजिट मेटल प्लॉटर्स दैट आर केपेबल ऑफ रि ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन एट हाई रेट ऑफ स्पीड इसको क्या कहते हैं दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन वन हो गया हार्ड डिस्क कहते हैं ठीक है हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा ओके नेक्स्ट हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड ऑप्शन फाइव दोस्तों इन साइड द सिस्टम बेस्ड यूनिट इन साइड द सिस्टम बेस्ड यूनिट चलिए नेक्स्ट डेटा ऑन फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स इज कॉल्ड दैट इज ऑप्शन फोर हो गया ट्रैक्स कहते हैं क्या कहते हैं ट्रैक्स ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया की बात करें तो जिप डिस्क हो गया दोस्तों और सी डी रॉम हो गया दैट इज ऑप्शन बी हो गया बोथ वन एंड थ्री से करेक्ट ओके उसके बाद फ्लॉपी डिस्क और ऑर्गेनाइज एस डेट इज ऑप्शन थ्री हो गया ट्रैक्स एंड सेक्टर्स दोस्तों के ट्रैक्स एंड सेक्टर्स उसके बाद कैपैसिटी ऑफ थ्री पॉइंट फाइव इंच फ्लॉपी डिस्क जो है कितना स्टोर कर सकता है वो कैपैसिटी आपको पूछा जा रहा है तो ऑप्शन फाइव हो गया दोस्तों वन पॉइंट फोर एम बी स्टोर कर सकता है द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन फ्लॉपी डिस्क दोस्तों ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग एज अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपैसिटी की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन थ्री हो गया फ्लॉपी डिस्क दोस्तों ओके एफ डी डी स्टैंड फॉर ओके एफ डी डी क्या कहते हैं एफ डी डी को दैट इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स की बात करें तो ऑप्शन टू हो गया दोस्तों फॉर्मेटिंग हम कहते हैं क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग ओके चलिए डेटा ऑन फ्लॉपी डिस्क वॉज रिकॉर्डेड इन रिंग्स इसे हम क्या कहते हैं दैट इज ऑप्शन फाइव सेगमेंट्स दोस्तों टेप ड्राइव प्रोवाइड्स डैश एक्सेस टू डेटा दैट इज ऑप्शन फोर हो गया सीक्वेंशल ओके नेक्स्ट मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर अप्लीकेशन विद डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉर्ड बिकॉज टेप इज ए सीक्वेंशल एक्सेस मीडियम ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फोर हो गया दोस्तों ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन फोर मैग्नेटिक टेप इसको कहा जाता है विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स दोस्तों दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थ्री हो गया मैग्नेटिक टेप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डेटा लार्ज बैकअप डेटा कहाँ पर स्टोर करते हैं फ्लॉपिटिस्क बदल चुका है ओके okay? एंड एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ओके ऑन सी डी एंड आर डब्ल्यू यू कैन दैट इज़ ऑप्शन फॉर रीड राइट एंड री राइट इन्फॉर्मेशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग और एडवांटेज ऑफ सी डी रॉम हैज़ ए स्टोरेज मीडिया की बात करें दट इज़ ऑप्शन वन सी डी रॉम इज़ ए इन एक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इन्फॉर्मेशन सी डी रॉम जिसे हम कहते हैं ओके okay. चलिए नेक्स्ट विच मीडिया हैज़ एबिलिटी टू हैव डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन देम बाय यूजर्स मोर देन वंस की बात करें दट इज ऑप्शन टू हो गया सी डी आर डब्ल्यू री राइटबल डिस्क दोस्तों वॉट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सी डी रॉम एंड सी डी आर डब्ल्यू की बात करें तो ऑप्शन फाइव हो गया सी डी आर डब्ल्यू कैन बी रिटन बट ए सी डी रॉम कैन ओनली बी ए रीड फॉम विच दट कॉम्पैक्ट इस दैट कैन बी स्टोर अप्रॉसिमेटली सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड एम बी ऑफ डेटा और सेवेंटी फोर टू एटी मिनट्स ऑफ म्यूजिक्स आर तो करेक्ट आंसर इसका इज ऑप्शन टू इज सी डी रॉम चलिए इसका उसके बाद okay? तो है सी डी रॉम ड्राइव इज़ यूज टू ऑप्शन वन प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों ओके फ्लैट मेटालिक डिस्क दंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री हो गया सी डी रॉम एंड सी डी राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज ऑप्शन फोर मेमोरी डिवाइस दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग एज अ लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर रिमूवेबल मीडिया की बात करें दैट इज ऑप्शन थ्री हो गया यहाँ पे डीवीडी एंड विच ऑफ़ द फॉलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्शन वन हो गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसको कहा जाता है राइट उसके बाद आ गया डी वी टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों डी वी टू ऑप्शन थ्री डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया राइट नेक्स्ट ए डी ये डी वी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये ऑप्शन वन ऑप्टिकल डिवाइस का एग्जाम्पल है विच ऑफ़ द फॉलिंग डिस्क कैन बी रीड ओनली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी वी डी रॉन्ग ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर ओके नेक्स्ट दिस मेमोरीज और यूज इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा मोबाइल फोन एक्सेट्रा तो ऑप्शन वन मेमोरी कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओके सो विच इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो ऑप्शन टू प्रिंटर प्रिंटर तो प्रिंट करता है स्टोर नहीं करता कोई डेटा विच ऑफ़ द फॉलिंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो ऑप्शन फोर रैम हो गया दोस्तों द साइज ऑफ एनी वोड नंबर इन ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बिट्स में मेजर किया जाता है द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर ऑप्शन थ्री हो गया बाइनरी डिजिट दोस्तों ओके एंड ए बिट रेफर्स टू दैट इज ऑप्शन ए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ग्रुप ऑफ फोर बिट्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन निबल कहते हैं क्या कहते हैं निबुल कहा जाता है ओके चलिए नेक्स्ट सो हाउ मेनी बिट्स मेक हाफ बाइट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन टू फोर दोस्तों एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलिंग स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज की बात करें तो ऑप्शन फाइव हो गया दोस्तों बाइट कहते हैं ओके ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन जीरो एंड ऑप्शन टू टू डबल फाइव ओके ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑप्शन थ्री दैट इज एट बिट्स कहा जाता है दोस्तों नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ एट बाइनरी डिजिट जीरो और वन इन ए स्ट्रिंग फॉर्मैट इज़ नोन एज दैट इज ऑप्शन टू बाइट हो गया ठीक है डैश आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ लॉपिडिस सी डी रोम ड्राइव्स एंड हार्ड ड्राइव्स क्या यूज करते हैं दोस्तों मेजर uh, के लिए दैट इज ऑप्शन वन बाइट्स को यूज़ किया जाता है ठीक है चलिए हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू वन बाइट तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन वन एट ओके इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन टू हो गया बाइनरी कोड्स ठीक है द कंप्यूटर अब्रीविएशन के बी यूजली मीन्स ऑप्शन फाइव किलो बाइट सो किलो बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कितने बाइट्स तक ये इक्वल uh, रहता है ये भी आपने मैं पढ़ाया था आपको वन जीरो टू फोर हो गया ओके वन थाउजेंड बाइट रिप्रेजेंट क्या होता है ये ये आपको किलो बाइट होता है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड आपको पूछा गया है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वन एम बीज वन जीरो टू फोर किलो बाइट्स डैश इज अप्रॉक्सिमेटली मिलियन बाइट्स की बात करें तो ऑप्शन थ्री होगा दोस्तों मेगा बाइट जिसे हम कहते हैं वॉट ड कंप्यूटर अब्रीवेशन एम बी इज यूज फॉर दैट इज ऑप्शन थ्री मेगा बाइट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रोम इज मेजर्ड इन ऑप्शन थ्री मेगा बाइट्स ठीक है चलिए हाउ मेनी किलो बाइट्स मेक ए बाइट ये भी इम्पॉर्टेंट है दैट इज ऑप्शन टू हो गया वन जीरो टू फोर ओके डैश इज अप्रॉक्सिमेटली वन बिलियन बोल रहा है नॉट मिलियन इट्स ए बिलियन बाइट्स तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन थ्री गीगा बाइट कहते हैं दोस्तों ओके ऑप्शन थ्री गीगा बाइट द टर्म गीगा बाइट रेफर्स टू किस चीज़ को वो रेफर करता है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन थ्री वन जीरो टू फॉर मेगा बाइट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज की बात करें तो ऑप्शन फोर हो गया दोस्तों वन टी बी इसमें बोल रहा हूँ के okay, अगर आपको सबसे लार्जेस्ट यूनिट पीछे तो जियो बाइट होता है वो सबसे लार्जेस्ट बट यहाँ पे अमॉन्ग द ऑप्शन टी बी इज़ द लार्जेस्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ए स्मॉल टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज की बात करें तो ऑप्शन फाइव दैट इज़ किलो बाइट मेगा बाइट उसके बाद गीगा बाइट आता है टेरा बाइट आता है पेटा बाइट आता है दोस्तों नेक्स्ट हो गया एच एच डी डी इज अ टेक्नोलॉजी वेद द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज कंबाइंड विद नॉन वोलोटाइल फ्लैश मेमोरी ऑफ टिपिकली वन ट्वेंटी एट एम बी और मोर टू कैश ड्यूरिंग नॉर्मल यूज तो डैश करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन टू हाइब्रिड हार्ड डिस्क हो गया दोस्तों हाइब्रिड हार्ड डिस्क सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फोर वेर वी हैव डिस्कस अबाउट द मेमोरीज ओके कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा भी और उसके पर मोर देन हंड्रेड क्वेश्चन हमने एम सी क्यूज किए हैं सो इससे बढ़कर अभी कोई क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में चैप्टर फाइव में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी